तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ ड्यूक 390 का सर्विसिंग, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। तो आज हम लोग ड्यूक 390 का सर्विसिंग करेंगे, और मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं अपने बाइक में डालूँगा। तो ये देखिए, ये है कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट 10W50, और इसके साथ 3M का इंजन ऑयल एडिटिव्स, और फ्यूल फ्लश भी है 3M का। तो ये 2 लीटर लगेगा, 1.7 लीटर लगता है। और ये आप देख सकते हो, ये जाली है जो कि 390 में 2 आती है, और ये फिल्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इंजन फ्लश डालेंगे, तो दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा फोकस नहीं ले रहा है। तो देख सकते हैं, इंजन ऑयल फ्लश है। और इसकी MRP आपको मैं बता दूं तो 340 रुपये MRP इसकी। तो डालो भाई इसको। और ये भी मैंने दोस्तों मंगाया है, MOS2 स्कूटर लिक्विड मॉली का। तो इसकी MRP है 249। ये हम लोग ने डाल दिया, और अभी हम लोग इसको 10 मिनट के लिए गाड़ी स्टार्ट करेंगे, वार्म अप करेंगे। तो अभी हम लोग उसका कैप बंद कर रहे हैं, और अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के लिए। तो स्टार्ट करो दिलसार भाई, और इसको आइडियल पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग इंजन प्लग, और फिल्टर देख लो भाई, फिल्टर देख लो कितना गंदा है। पीछे घुमाओ, फिल्टर का हालत ये हो गया है। एक सर्विसिंग मैंने पहले कराया था, और ये हालत है। तो आप, मेरे पास तो अभी फिल्टर नहीं है, हर सर्विसिंग में आप चेंज कराया करिए फिल्टर, और रोड कंडीशन के हिसाब से भी मतलब वो होता है, चेक होता है। तो अभी हम लोग गाड़ी बंद करेंगे, बंद करो भाई। तो हम लोग ने गाड़ी बंद कर दी है, अब देखते हैं कि ब्रेक ऑयल कितना गिरता है। कितना गिरता है ब्रेक ऑयल? मोबिल ऑयल कभी कभी गलती हो जाता भाई। मजा ले रहे हैं तो गरम गरम। तो नॉर्मल मोबिल जब गिरता है तो बहुत गाढ़ा होता है, लेकिन ये इंजन फ्लश डालने के बाद खोल के निकले। इंजन फ्लश करने का ये फ़ायदा है कि आपका पूरा ड्रेन हो जाता है अच्छे तरीके से, और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो अभी मेरा भाई ये खोल रहा है चैन कवर। तो चैन कवर खोलने के बाद देखते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा फंसा हुआ है उसमें, क्योंकि काफ़ी दिनों से सर्विसिंग नहीं हो पाई है गाड़ी की हमारी। देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा गंदा है। पिछले दफा इस पॉकेट लगा था, और इस दफा इस पॉकेट निकलेगा। देख सकते हो कितना स्लज है, और भाई इसको साफ करना बहुत जरूरी है। इसी से बाइक हरदम
आपकी चैन फंसेगी और सही से गाड़ी चल नहीं पाएगा। हाँ, स्पीड में चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में तो कुछ भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा चलाने में आपको। चलिए इसको साफ़ करते हैं। तो दोस्तों ये फ़िल्टर हम लोग निकाल लिए हैं, तो इसका भी फ़िल्टर सेट करना है। तो ये निकल चुका है सही तरह फिल्टर। इतना फेवर कर उसको, ये 1 लीटर दोस्तों पूरा गया। और अभी तो इसका थोड़ा दिखा दो कैसे निकलता है, देख सकते हो दोस्तों काला रंग का है और इसमें पूरा चला जाएगा।